माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं पटना जिला के रहने वाला हूँ। मैं पहले कृषि का कार्य करते थे, अब मैं 4-5 वर्षों से मछली पाल रहे हैं। माइक नजदीक ले जाइए। हाँ ठीक ठीक, मुझे सुनाई दे रहा है। इस योजना की जानकारी हमें अखबार और जिला मत्स्य अधिकारी से मिली। प्रारंभ में तालाब से मछली बिक्री करने पर ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता था। अब हम इस तालाब की मछली बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा, इससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। राजू जी, आप पहले से ही मछली से जुड़ा काम करते थे, कुछ और करते थे, फिर इसमें आए, क्या हुआ? पहले हम स्टडी कर रहे थे, 3-4-5 सालों से मछली पालन की जानकारी मिली और हम इसमें निकल हुए हैं। नहीं, पहले जो खेती का काम करते थे उसमें और इस काम में आपके जीवन में और आपकी आर्थिक व्यवस्था में क्या फर्क आया, कैसे बदलाव आया? पहले हम कृषि से ज्यादा मुनाफा नहीं कर पाते थे, फिर इस मछली पालन में करने से जानकारी मिला और इसे 4-5 गुना मुनाफा मिला। नहीं, ये जो फिश ऑन व्हील्स योजना से आप जुड़े हैं, क्या इससे आपका काम बेहतर होगा क्या? यानी आपको लगता है कि आपका कारोबार बढ़ेगा और जो आपने सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे? फीस ऑन बिल से गाड़ी मिलने से घूम घूम कर मछली बेचेंगे और हमारी मछली तेजी से बिकेगी। अभी कितनी जगह पे पहुंचाते हैं आप ये बिल लेकर के जाकर हैं, कितनी जगह पे पहुंचाते हैं आप? अभी सर शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। इतना से पहली बार हमको लाभ मिला सर। नहीं देखिए, आपकी पहचान बन जाएगी फिर तो लोग तय करेंगे, भैया शाम को 5 बजे आप यहाँ मिलते हैं, 3 बजे यहाँ मिलते हैं, दोपहर 2 बजे यहाँ मिलते हैं, सब लोग आप मालूम होगा कि आपके पास पहुँचना है तो कैसा, ऐसा बराबर परफेक्ट प्लान कर लिया है आपने? अभी सर नहीं किया है सर। हाँ नहीं तो कर लेना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर कितने बजे किस कोने में खड़े होंगे, तो जो भी आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, उनको पता होगा कि आपके पास यहाँ पहुँचना है, तो आपको बहुत सुविधा बढ़ेगी। देखिए राजू जी, एक प्रकार से आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हो जाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। मछली भी अपनी ओर से, मछली से जुड़े ज्ञान पान का व्यवसाय भी अपना, देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसलिए राजू जी, मेरी आपको बहुत शुभकामना है। मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य की यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को फिशरी से जुड़े सेक्टर में उत्पाद से लेकर के वैल्यू एडिशन के काम में जोड़ा जाए। और इसे दो काम होंगे, एक तो व्यापक मात्रा में रोजगार तैयार होंगे और दूसरा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे देश के पास ज्यादा संसाधन आएंगे। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजू जी।